Hello students, welcome back to my class. Today we will learn about present continuous tense. पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ही इज वॉचिंग टीवी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू फ्लैट दिस ईयर. The cost of flat is increasing day by day. तो ये कुछ sentences हैं जो present continuous tense में हैं. Continuous कहने का मतलब ऐसा कोई काम जो अभी चल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसी क्षण वो काम जारी ही होगा. Just like he is watching TV, अभी वो टीवी देख रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी भी पढ़ रहे हैं, मतलब आजकल हम तैयारी कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू फ्लैट दिस ईयर, ये ऐसा काम है जो भविष्य में होने वाला है, लेकिन मैंने जो प्लानिंग की है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं कि मैं इस साल एक नया फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ. मतलब मैं खरीदने कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं खरीदने वाला हूँ. दैट इज माई प्लानिंग. द कॉस्ट ऑफ फ्लैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. फ्लैट की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है. तो ऐसा कोई काम जो लगातार आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसको भी हम लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. तो ही इज वॉचिंग टीवी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सामान्य वाक्य हमेशा किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से. सो ही इज द सब्जेक्ट हियर, ही सब्जेक्ट है, और ही के बाद एक हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर यूज किया है, दैट इज. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब्स नाउ, दे आर इज, एम एंड आर. सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. उसके बाद बारी आती है मेन वर्ब की. तो अगर किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा, सामान्य वाक्य में. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब. ये जो मेन वर्ब है, वॉच मतलब देखना होता है, इस वॉच में क्या लगा हुआ है, आईएनजी. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल ये होता है कि हम हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, चाहे हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हो या फिर इंट्रोगेटिव में हो. तो मेन वर्ब में हमने क्या ऐड कर दिया है, आईएनजी. ओके, और उसके बाद टीवी जो है वो ऑब्जेक्ट है, कर्म है. मतलब वह क्या देख रहा है का आंसर क्या है, टीवी है. सो टीवी इज द ऑब्जेक्ट हियर. तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब विथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. कोई भी काम जो अभी चल रहा है, ऐसे सारे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहे हो आएगा, उसको हम इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं. ही इज वॉचिंग टीवी, अब ही के साथ हमने क्या लगाया है, इज लगाया है, लेकिन हमारे पास कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब्स. तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर. क्या हम ही एम कर सकते हैं, नहीं. क्या हम ही आर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. तो ये रूल हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएं. तो जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताया था, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड में ही, शी, इट एंड प्लूरल बिकम्स दे. ठीक है, तो आई के साथ क्या हो जाता है, एम. यहां हम इसको लिख लेते हैं, आई के साथ क्या लगाना है, एम. वी, यू, वी, यू एंड दे, ये तीनों के साथ हम क्या लगाते हैं, आ. अब बचे हमारे ये तीन थर्ड पर्सन सिंगुलर के प्रोनाउंस, ही, शी, इट.
तो ही शीट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। इस तरीके से इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को हमको यूज करना है। अब ये सेंटेंस जैसे हम लिख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, शी इज वॉचिंग टीवी एंड दे आर वॉचिंग टीवी। ये मेन वर्ब में आईएनजी हमेशा ही लगा रहेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। अब ये तो थे सब्जेक्ट्स प्रोनाउन के फॉर्म में, अगर ये नाउन के फॉर्म में आ जाए तो भी रूल सेम ही रहेगा। अब ही की जगह किसी लड़के का नाम आ सकता है, सपोज कि हमने लिख दिया राहुल है, राहुल इज वॉचिंग टीवी। शी के प्लेस में अगर किसी का नाम है रिया, रिया इज वॉचिंग टीवी। इफ तो नॉन लिविंग थिंग है, अब दे की जगह पर भी कोई नाउन आ जाता है, जस्ट लाइक बॉयज, बॉयज आर वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से हमको सब्जेक्ट्स को यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे ज्यादा यूज में आता है, इसलिए ये बहुत ही आसान है। इज को हिंदी में बोलते हैं है, एम को बोलते हैं हूं, आर को बोलते हैं है। तो ये जो है और है में क्या डिफरेंस है, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। एक वचन में अगर सब्जेक्ट है तो वो है होता है, जैसे ही शी इट, वह जा रहा है, वह टीवी देख रहा है, ये तीनों एक वचन है। मैं देख रहा हूं तो आई के साथ अलग है, एम होगा, अदरवाइज सिंगुलर में इज और वी, हम टीवी देख रहे हैं। अगर आप ये रूल भी याद नहीं रखें, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, तो जहां बहुवचन है आप आर लगा दीजिए, जहां सिंगुलर नाउन है वहां पर आप इज लगा दीजिए। अब चलिए हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाकर देखते हैं। नेगेटिव मतलब हमको क्या यूज करना है सेंटेंस में, नहीं शब्द, वह टीवी देख रहा है, नेगेटिव में क्या बन जाएगा, वह टीवी नहीं देख रहा है। तो नहीं के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉट। अब इस नॉट को हम कहाँ यूज करते हैं, हमेशा ही ये नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा। कैसे होगा, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, इसको हम जोड़ कर लिखते हैं तो ये बन जाता है इजंट, ही इजंट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा है। अब अगर हम इसी सेंटेंस को सब्जेक्ट चेंज करके लिखें, आई एम वॉचिंग टीवी, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। कोई भी वाक्य रहे उसके इज, एम या आर के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। ओके, अब आपका बच गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तुम टीवी देख रहे हो से क्या होगा, क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बस उतना ही करना है कि हमको इज को सेंटेंस में शुरू में ले आना है, इज उसके बाद ही जो है उसके बाद आ जाएगा, इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है, एंड एट लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, आई एम वॉचिंग टीवी, एम आई वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी, और इसके बाद हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे लास्ट तक, हमेशा ही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। दूसरी चीज, ये टेंस जो है कंटिन्यूअस है, और जितने भी टेंस में कंटिन्यूअस वर्ड आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में इन छह टेंस में हमको मेन वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी। ठीक है,
तो छह ट्रेस आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा कि सेकंड फॉर्म होगा कि क्या होगा, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आएगा और आईएनजी हम कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म में नहीं लगाते। गो के साथ ही गोइंग होता है, वेंट के साथ कभी आईएनजी नहीं लगेगा, न ही गॉन के साथ लगेगा। तो मेन वर्ब में आईएनजी बोलने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्म कौन सा होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर हमने स्ट्रक्चर में नहीं भी लिखा है कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी तो कौन सा फॉर्म, दैट इज अंडरस्टूड कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। सो चिल्ड्रन, हमने ये देखा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे। अब चलिए देखते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कहां कहां पर हम सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। फर्स्ट है शॉर्ट एक्शंस नाउन, अभी कोई काम जो चल रहा हो, आपके आसपास कोई भी काम जो अभी वर्तमान में जारी हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। द फोन इज रिंगिंग, फोन की घंटी बज रही है। दे आर प्लेइंग द फाइनल मैच नाउ, अभी वो फाइनल मैच खेल रहे हैं। तो ये जो वर्ड है नाउ या एट प्रेजेंट शी इज डूइंग हर होमवर्क, अभी वो अपना होमवर्क कर रही है। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो काम अभी चल रहा होगा तभी हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। कुछ ऐसे भी काम हैं जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, तो अभी अगर वो प्रोग्रेस में है तो हम उसको कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जस्ट लाइक आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं अभी बुक लेकर नहीं बैठा हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई जारी है, पिछले साल से या अगले साल तक भी जारी रहेगी। दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, उन लोग एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के वाक्य जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं और अभी वो प्रोग्रेस में हैं, उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। These are some more uses of present continuous tense. देखिए, we are going to party tonight. आज रात को हम एक पार्टी में जा रहे हैं। तो चूंकि आज रात अभी रात का समय आया नहीं है तो हमें बोलना चाहिए कि हम आज रात को पार्टी में जाएंगे, लेकिन जो प्लानिंग है नियर फ्यूचर की उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं कि हम आज रात को जा रहे हैं, मतलब जाने वाले हैं। माई पेरेंट्स आर विजिटिंग आगरा नेक्स्ट मंथ, मेरे पेरेंट्स अगले महीने आगरा जा रहे हैं। अगले महीने है तो अभी घर से निकले नहीं है, जाने वाले हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं जा रहे हैं। इसके अलावा सम अनॉइंग हैबिट्स, अनॉइंग मतलब एक्शंस विच कॉज इरिटेशन, ऐसे कोई काम जिससे हमको चिढ़ लगती हो। जस्ट लाइक दीज बॉयज आर ऑलवेज मेकिंग नॉइज, ये लड़के हमेशा ही क्लास में हल्ला करते हैं। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर पर्स, तुम हमेशा ही अपना पर्स हर जगह भूल जाती हो। शी इज ऑलवेज कमिंग टू द क्लास लेट, वो हमेशा ही क्लास में लेट से आती है। तो जबकि दीज बॉयज आर ऑलवेज मेकिंग नॉइस, ये लड़के हमेशा ही हल्ला करते हैं, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। दीज बॉयज ऑलवेज मेक नॉइस, लेकिन चूंकि ये अनॉइंग हैबिट है इसलिए हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है इनडेफिनेट टेंस के प्लेस में। ओके, होप द होल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्री सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली।